बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में आपको वंस अगेन खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज के हवाले से, जो कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर सके थे टाइम की शॉर्टेज की वजह से। आज उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। और आपको उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई मसला आया होगा तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन अभी तक तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं आए, जिसका मतलब यही है कि आप लोग जो 100% आप लोग क्लियर हैं। अभी काफ़ी आसान काम चल रहा है और इसके अंदर मैं आप लोगों को आसानी से स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं। और होपफुली कि आप लोगों को ये डिस्कशन का तरीका पसंद आ रहा होगा। छोटी छोटी एपिसोड्स बना रहा हूं। अगर आप डेली की एक डिस्कस करते हैं, हम लोग डेली एक लॉन्च करते हैं, एक रिलीज़ कर रहे हैं। और इसको एक अंदाज़ में, एक पैटर्न में मैं MG-9 की सीरीज़ में ऐड कर रहा हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन का स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन हमारा जो फोर्थ है, सबसे पहले हम अगेन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किधर है क्वेश्चन 4। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ, ये क्वेश्चन 3 यहाँ पर ख़त्म हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ उसने ऑपरेशंस नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 पार्ट्स हैं डिफरेंट। इनमें से अगर मैं कोई एक सॉल्व कर देता हूँ तो बाकी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कहा ये जा रहा है कि आपसे कि जो कहा गया है इन, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसने स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ किया है, देन उसके बाद उसने एक लार्ज ब्रैकेट को यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने जो कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो ऑपरेशन है उसको हम, ये वाला ऑपरेशन, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे। बल्कि ये लार्ज ब्रैकेट मेरे मुंह से निकल गया, ये लार्ज ब्रैकेट नहीं बल्कि ये तो मैट्रिक्स है ना, ये तो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, आपने सिंपल इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट है। पहले मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा ना, इन दो को ख़त्म करके समझें एक बन गया। अब एक मैट्रिक्स जो बन गया उसके अंदर हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पर करना क्या है कि पहले इस ऑपरेशन को सॉल्व करना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना और देन जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। ये वाला भी सेम मैट्रिक्स है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट देखने में इसलिए लग रहा है कि ये टोटली हमारे पास एक रो मैट्रिक्स की गेम है सारी की सारी। तो ये बात तुमने पीछे सीखी है कि मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट, यानी कि तब ही होते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसलिए अगर एक मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स था तो डेफिनेटली अदर्स भी आपको रो ही रखने पड़े। अब ये सारे वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं इसके अंदर से यहाँ पर ये सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेता हूँ। कोई सा क्वेश्चन हम चूज़ कर सकते हैं। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन लेट्स सपोज के चूज़ करता हूँ आज की डिस्कशन के लिए और इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट यहाँ पर लिख दिया है। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है मैंने यूज़ की है, ठीक है, यहाँ पर लिखाई है। आपको पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए टास्क, मैं इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर लिख नहीं पाता। कॉपी पे डेफिनेटली बहुत इजी होता है लिखना, वहाँ पे राइटिंग अच्छी होती है, तो राइटिंग यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से नहीं होती। मैं कोशिश तो करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, शायद मेरा हाथ इसके ऊपर सेट बैठ जाए इस टैबलेट पर। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि ये मैट्रिक्स है 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 1, और इन दोनों को मैट्रिक्स को हम पहले ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स हमें बता रही हैं कि पहले आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए डेफिनेटली वही रूल है कि ये जो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रेज कर देते हैं ताकि वो सफाई रहे। 1 + 2 पहले ये ऐड होगा, फिर 2 + 1। आपको मैंने ये भी बताया हुआ कि इनको चेक कैसे करना है। चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है, इसको ईजीली चेकआउट कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चेक करना है 1, 0, तो यहाँ पर आप चेक करें 1, 0। तो ये तो छोटा सा मैट्रिक्स है, इसके अंदर चेक इसलिए इसको आसान लग रहा है मैं चेक करना, लेकिन जब बड़ा मैट्रिक्स होता है तो ये बहुत फ़ायदा देता है चेकिंग करना। तो ये भी आप अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं कि आप फटाफट से इसको एक ही नज़र में जैसे चेक कर सकते हैं कि 1, 1 है, 1, 1। तो ये चेक करना बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि समटाइम मैट्रिक्स के अंदर ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ 2 + 1, तो ये मेरे पास 3 हो गया। देन मैं ऐड करता हूँ 2 + 1, अगेन मेरे पास 3 हो गया। 0 + 0, 0 हो गया, एंड 1 + 1, 2 हो गया। तो अब मैं इसके अंदर
ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को मैं दूसरे मैट्रिक्स में सिंपली ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसको ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थ्री और अगेन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एंट्रीज़, उनको आपस में ऐड करेंगे। थ्री प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन, सारी उसकी वन वन है, तो हर एक में जो है वो वन का एडिशन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, मैं सामने लिख रहा हूँ। थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, ज़ीरो प्लस वन वन, टू प्लस वन इज़ इक्वल्स टू थ्री। तो ये है जनाब हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव अगर आप यहाँ पर देखें कि फॉर द मैट्रिक्स ए बी सी, आपको यहाँ पर तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं ऊपर स्टार्ट में ही। अब उसने किया सिर्फ ये है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर लिखे थे मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स की जगह नाम लेके पुकारा है ए प्लस सी। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स जो कि ए है उस पर जाएँ, आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि ए की जगह हम ए लिख देंगे, सी की जगह सी लिख देंगे, जहाँ पर जो मैट्रिक्स का नाम लिखे वहाँ पर हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम इजीली इस ऑपरेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको इनमें से कोई भी सॉल्व करें तो आप बाकी खुद ही समझ जाएंगे। मैं एक मैट्रिक्स को लेता हूँ कोई सा एक, जैसा कि अगर आप यहाँ पर मैं कोई भी फॉर एग्जांपल ले सकता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा आसान है, ए को सी में ऐड करें तो सी को ए में ऐड करें तो वही आंसर आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपने ना ये प्रूव करनी है। पहले आपने एक साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, उसका जो आंसर आएगा वही आंसर आपका राइट हैंड साइड का आना चाहिए, और एंड पर आपने कह देना हैंस प्रूव्ड, जैसे कि हमने कुछ पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरह के। तो ये या फिर आपके पास कमोडेटिव लॉ हैं, एसोसिएटिव लॉ हैं, वही बेसिकली लॉज को ही प्रूव कर रही है। तो मैं इसमें से कोई एक ये चलें टेंथ क्वेश्चन को करता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने टेंथ क्वेश्चन को यहाँ पर पहले ही लिख लिया है पॉज करके वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ए बी सी तीन मैट्रिक्स लिखे हैं। अगर इन मैट्रिक्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आप देख लेना, क्योंकि तेज़ी के अंदर कोई मिस्टेक भी हो सकती है, पॉसिबल है यहाँ पर वन की जगह टू हो बुक में। तो खैर ये जो टेंथ क्वेश्चन है, 2a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि मैं एक साइड ले लेता हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, जो कि 2a मेरे पास क्या है, 2a प्लस 2b। तो मैं सबसे पहला काम ये करना है कि 2 तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, जहाँ पर a लिखा हुआ है ना वहाँ पर मैं a की जगह a का मैट्रिक्स लिख दूंगा ऊपर से देख कर। क्या मैट्रिक्स का नाम है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, सिंपल। आपने ए की जगह उसका मैट्रिक्स कर दिया, अगेन प्लस का साइन है तो प्लस, आगे टू है तो टू, आगे बी लिखा हुआ है तो बी की जगह हम क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है और इस मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करेंगे, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन एंड थ्री। तो ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स, तो मैंने इसको सिंपल लिख दिया। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो उसी तरह स्केलर, ये एक के है ना, के ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, इसने हर एंट्री के साथ आगे क्या होना है, ये क्या लिखा गया है, ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है मेरा ख्याल, ये गलती से लिखा गया। तो अब हम इसको टू को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये असल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो इतनी स्ट्रेट लाइन्स यूं लगती नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। खैर टू इंटू वन टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने बेसिकली करना पता है क्या है, इस तरह वन मल्टीप्लाइड बाई टू, हर एंट्री को आपने इस तरह लिखना है, टू मल्टीप्लाइड बाई टू, थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू, हर एंट्री को बारी बारी आपने टू से मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास असल में यहाँ पर टाइम शॉर्ट होता है, ये जो ऑनलाइन टीचिंग होती है इसके अंदर मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दिया जाए। टाइम अगर ज़्यादा लग जाएगा फिर फ़ायदा कोई नहीं उस चीज़ का ना, तो इसलिए मैं असल में कुछ स्टेप्स ट्रैक करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं करता इसलिए नहीं हूँ कि कहीं आपकी भी वही प्रैक्टिस ना बन जाए। नाइन्थ क्लास में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो अब हम इस टू को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये टू अंदर जाके हर एंट्री से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस वन भी टू से मल्टीप्लाई हो गया, वन टू से मल्टीप्लाई हो गया, टू टू से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टू अगेन टू से मल्टीप्लाई हो गया, टू टू से मल्टीप्लाई हो गया, थ्री टू से हो गया, हर एंट्री ने आपके टू से मल्टीप्लाई होना है। तो जो आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि पहले आंसर क्या बन रहा है, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू टू सिक्स, फोर
3 into 2 6, 3 into 1 3, 2 into 1 2, minus 2, याद रखिएगा 2 into minus 1 plus minus minus, 2 plus का था और ये 1 minus का था, तो opposite sign जब भी आपस में multiply होते हैं, तो result is negative, 2 into 0, 0 जब भी किसी चीज़ से multiply होता है, तो वो उस चीज़ को भी 0 कर देता है, 2 into 1, 2, 2 into minus 1, minus 2, 2, 2 into 2, 4, and minus 4, 4, आप ये ऊपर से देखकर आप इजीली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी ना तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं, मेरे से मिस्टेक हो रही है तो उसको भी आप करेक्ट करें, पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर आपको बताते वक्त तेज़ी में कोई मिस्टेक कर दूँ, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकता है, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी क्रॉस बाउंड्रिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी 3x3 का है और इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, ये भी 3x3 का है, तो अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करना चाहें तो वेरी सिंपल, 2+2 क्रॉस बाउंड्रिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। ये मैंने बेसिकली डायरेक्ट लिख दिया, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, तो बेसिकली जब ये खुलेगी ब्रैकेट तो ये ऐसे हो जाएगी कि 4 माइनस 2, तो आपने इसकी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, 4 इंटू माइनस 2, तो ये जब नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस होकर 2, यानी कि 4 माइनस 2 ही बनना है, रिजल्ट 2 ही होगा, लेकिन इसको आपने खुद से प्रैक्टिस इस तरह की बनानी है कि आप इस तरह लिखें 6 प्लस 2 और 4 प्लस 4 6 प्लस इंटू माइनस 4 एंड 3 प्लस 4 एंड 2 प्लस 6 एंड माइनस 2, ये 6 ही था, यहाँ पर 6 ही था ना, हाँ जी 6 ही था ऊपर, तो माइनस 2 प्लस 2 एंड 0 प्लस 6, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स अब बन जाएगा जब हम मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 2 प्लस 2 4, अब ये देखें ये प्लस माइनस माइनस का हो गया, तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, 4 माइनस 2 क्या बचा 2, 6 प्लस 2 8 और 4 प्लस 4 8, 6 माइनस 4 याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4 रिजल्ट इज 2, 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 2 8, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया एंड 6, तो ये है आपका एक मैट्रिक्स। अब उसने आपको ऊपर जाएं कहा क्या था, ये उसने हमने एक चीज़ फाइंड की है, हमने जो अभी आंसर निकाला है ना वो है 2a प्लस 2b का आंसर। अब इधर हमने ये प्रूव करना है कि अगर a प्लस बी को पहले आपस में ऐड करें, देखें ब्रैकेट्स है ना, a प्लस बी को आपस में ऐड किया जाए, देन जो आंसर है उसको आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका भी सेम यही आंसर आना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। अब मैं यहाँ इस साइड पे दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड किसी और कलर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है, राइट हैंड साइड पर मेरे पास है 2 इंटू ए प्लस बी, तो सिंपल आपने क्या करना है कि इज़ इक्वल्स टू 2 की जगह 2 वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये जो ब्रैकेट आपने सबसे पहले लगानी है, उसके अंदर आपने क्या करना है ए और बी को ऐड करना है, ए की जगह आप क्या करेंगे ए मैट्रिक्स पीछे से देख कर लिख देंगे, तो ए मैट्रिक्स मैं बुक से देख लेता हूँ पीछे जाने की बजाय, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 2 3 1 2 3, ये मैट्रिक्स है 3 2 3 1, यही है ना, वेरीफाई करते जाएं, 1 -1 0, ये मेरे पास ए प्लस, इसमें मैंने क्या करना है बी, तो बी यहाँ पर मैं बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 -1 1, और क्या है 2 -2 2 एंड 3 1 3, तो ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स हो गया, ये भी देख लेना कि कहीं मैट्रिक्स ही तो नहीं गलत लिख लिया, ठीक लिखा है मेरा ख्याल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने 2 को नहीं मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि उसने ब्रैकेट 2 से बाहर है, इसका मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट थी यहाँ पर, ये इसके अंदर ये ब्रैकेट्स की वजह से, ये जो दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इन दो ब्रैकेट्स की वजह से, आप ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट लगी हुई, इन ब्रैकेट्स की वजह से हमने ये जो इनसाइड ऑपरेशन है इसको पहले सॉल्व करना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, 1 + 1 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, क्यों ब्रैकेट ख़त्म हो गई, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व कर, ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई, 1 + 1 क्रॉसपॉन्डिंग एंड एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है अगेन, और इसको ऐड करने का तरीका आप देखते जाएं साथ साथ, 2 + 2 वेरीफाई करते जाएं साथ साथ, 3 + -2 माइनस है माइनस, 1 + 2, समटाइम्स ये जो है ना यहाँ पर लिखना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जल्दी में लिखें तो ये समटाइम मिसिंग भी कर जाता है, 1 + 3, इसलिए मैं कॉपी पर लिखना वैसे प्रेफर करता हूँ बहुत ज़्यादा इधर लिखने से, यहाँ पर लिखना तो बहुत ही मुश्किल है,
ज़ीरो प्लस थ्री। तो अब हम आते हैं सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स बन जाएगा, वन प्लस वन वन, टू इंटू माइनस वन, ये आप देखें टू माइनस वन हो रहा है तो आंसर इज़ वन, थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा फोर, टू प्लस टू फोर, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू, याद रखिए थ्री माइनस टू, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, आंसर इज़ वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया एंड थ्री आपके पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप रेडी हैं कि इसमें सिंपली टू को अंदर इनसाइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये स्केलर के है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई हुई है, सिंपल टू को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, टू इंटू वन, वन मल्टीप्लाई टू से हो जाएगा, हर एंट्री जो है वो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर एंट्री को हमने क्या करना है टू से मल्टीप्लाई करवा देना है। सिंपल इज़ डैट कि हर एंट्री को हमने टू से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर देखना है, टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू, फोर इंटू टू एट, फोर इंटू टू एट, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू टू सिक्स, फोर इंटू टू एट एंड ज़ीरो इंटू टू जीरो, ज़ीरो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देता है। तो अब ये है मेरे पास दूसरा आंसर। अब अल्लाह करे कि ये वेरीफाई हो जाए, जितनी मैंने इसमें स्पीड छोड़ी हुई थी, फोर टू एट नौ, देखा ना मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है आप देख सकते हैं कि मैं कितनी तेज़ी दिखा रहा था तो ये मिस्टेक मेरे सामने आ गई। वन प्लस टू, वन प्लस वन, यहाँ पर टू आना चाहिए था और ये टू हो जाना था इसकी वजह से, और टू इंटू टू आंसर शुड बी फोर। पहले ही मुझे शक पड़ रहा था कि मैंने कोई मिस्टेक लाजमी की होनी है। टू एट एंड देन एट टू सेवन, एट टू सिक्स लिखा हुआ है, ये भी मिस्टेक होगी, एट ज़ीरो सिक्स, एट ज़ीरो सिक्स। अब मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है ये आपने देखना है। एक मिस्टेक इसमें और आ रही है कि यहाँ पर ये मेरे पास सेवन है लेकिन ये जो है ना ये एट होना चाहिए था, आई थिंक है ना एट होना चाहिए था, तो अब ये भी मिस्टेक है। अभी मैं इतनी तेज़ी में लिखने की वजह से कोई ना कोई लाजमी, अब इससे आपने भी सबक सीखना है कि जब मैं तेज़ी में काम करता हूँ तो लाजमी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आइंदा से आपने भी तेज़ी में काम नहीं किया करना, ना ही मैंने तेज़ी में काम किया करना है, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये मिस्टेक हुई कहाँ पर, तो आपको इजीली जब ये पीछे जाएंगे तो यहाँ स्टार्ट से वन टू थ्री, ये देखें वन, ओहो मैं आपको चेक करवाने लगा इसका आसान तरीका, वन टू वन, वन टू वन, ठीक हो गया, टू थ्री माइनस वन, टू थ्री माइनस वन, थ्री वन ज़ीरो एंड थ्री वन ज़ीरो। अब आप ये देखें कि मैंने टू को हर चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया है, ऐसे ही है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि मैंने हर चीज़ को टू से मल्टीप्लाई करवाया, हर एंट्री को मैंने टू से मल्टीप्लाई करवाया, इस एंट्री को मैंने तीन से करवाया हुआ है, तो ये डेफिनेटली मिस्टेक थी और इसी वजह से मेरा जो आंसर है यहाँ पर थ्री टू आना था, ये हर जगह पे इसी वजह से मिस्टेक हुई। और जब ये इस टू ने इस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होना था फोर इंटू टू, तो ये बेसिकली टू था और ये जब टू ने से ऐड होना था ये सिक्स बन जाना था और यहाँ पर भी सिक्स, तो ये आंसर इस तरह से करेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, क्योंकि मैं तेज़ी दिखा रहा था। तो हंस अब एंड पे आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई। बाय द वे कि ये होता है नुकसान तेज़ी करने का, जैसे भी आपने देख लिया है, तो मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि आप एक बार चेक करने की प्रैक्टिस भी रखें। जैसे भी मैंने चेक नहीं किया था तो मिस्टेक हो गई, तो मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कर पूछ रहा था, मैं आपको बता रहा था, साथ साथ अपनी वीडियो की टाइमलाइन देख रहा था, साथ साथ मैं सब कुछ हैंडल कर रहा था, तो ये उसका रिजल्ट निकला है। एनीवे मैं ये आज के लेक्चर में ये भी आपको बड़े वाज़े अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि आपने काम को स्लो करना है और वेरीफाई करने की प्रैक्टिस करनी है। आज आपने देखा है कि कितनी एक छोटी सी मिस्टेक थी लेकिन आपसे ये मिस्टेक नहीं पकड़ी जानी जितनी तेज़ी से मैंने पकड़ ली है। आप अगर इसके ऊपर कमांड हासिल करेंगे तो तब आप भी इसको मिस्टेक को तेज़ी से पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है आपकी प्रैक्टिस। अब आप ये सारे क्वेश्चंस को करें और आज अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि आपके एरर आए जैसे मेरे हैं। और आपने ये भी देखना है कि वो एरर को कम करने का बेहतरीन तरीका पता क्या है। देखें एक बात याद रखें, अब मेरे पास हुआ क्या, मैंने इतने ही ज़्यादा ये देखें कैलकुलेशंस की और मेरे पास एंड पे एक एरर आ गया और मेरा सारा क्वेश्चन जाता रहा, ऐसे हो जाना था, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप स्टूडेंट्स को ना पीछे से जाकर दोबारा चेक करना सारा बहुत मुश्किल लगता है, ये मुझे भी पता है, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ। तो अब इसका हल और बहुत ही आसान सा सोल्यूशन ये होता है कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया हूँ, ये ट्रिक्स वगैरह कि इसको चेक कैसे करना है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि इसको चेक करने का तरीका ये है कि वन टू वन ये साथ साथ चेक करते रहा करें, बाद में नहीं,
7 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 ये छोटी सी प्रैक्टिस है, जब आपकी प्रैक्टिस हो गई ना ये छोटी सी, तो आपने फटाफट ये करते रहा करना है 1 2 3 1 2 3 2 माइनस 1 2 और ये आपने साथ साथ ये देखना है 1 2 3 और ये 1 2 3 सारे मैच हो रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस बनानी है, जैसे अब ये देखें 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी 2 2 2 2 2 यहाँ पर 3 था, तो ये डेफिनेटली हम साथ ही एरर पकड़ सकते थे। बाद में एरर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बजाय इसके कि आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें क्वेश्चन पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट टाइम मैं इस प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस करूँगा, और आज के लिए मेरे ख्याल टाइम ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।